आ गए मेरा पहला, मेरा तो कई हो गया, दिखती नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शिप्रा की छोटी दुनिया। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह के हो रहे हैं 7 और मैं चाय वाय पी चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने और आज मुझे बहुत ढेर सारा काम है क्योंकि आज संकटा भवानी भी खाने जाना है, ओट देने भी जाना है, प्लस संगीत है तो संगीत में भी जाना है। तो आज मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ, पर मैं अकेले नहीं बिजी रहूँगी, आपको भी उसी के साथ मैं बिजी रखूँगी। तो आप प्लीज़ ब्लॉग में आगे तक बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, सोए हवा के कर रही है। इसको देखिए सामने सुबह संकटा पानी खाने जाना था बगल में दीदी के यहाँ, वहाँ गई। फिर एक लोग के यहाँ शादी है तो वहाँ हम लोग का गाना वाना था, संगीत था, तो उधर गए। एक और 6 तारीख को ही शादी है तो वहाँ भी संगीत में गए। तो आज पूरा दिन मेरा उसी में बीत गया है। और खाने में तो समझिए कि थोड़ा एक रोटी खाई हूँ, ज़्यादा नहीं आज खाई, नाश्ता हो गया, कहीं समोसा कहीं चाय कहीं ऐसे कहीं चना, तो इसकी वजह से भूख भी नहीं लगी है। लेकिन अभी हो गए 7:30 और मैं आधा घंटा और रेस्ट करना चाहती हूँ। दिया हुआ मैंने जला दिया है, आधा घंटा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद उठती हूँ तो सोचती हूँ कुछ बनाऊँगी, पर चावल तो बनाऊँगी नहीं, रोटी बनाऊँगी क्योंकि ओरियो भी मेरा है तो ओरियो के लिए भी कुछ बनाना पड़े। देखिए मैं आई इतने अच्छे टाट से सो रहा है, ये बाहर चिल्ला रहा था इतना कि क्या होता है। अभी मैं आई हूँ तो उसको देखो इतना रिलैक्स हो गया। तो रोटी ही बनाऊँगी ताकि वो भी खा ले और मैं भी खा लूँ, और जो भगवान को भी चढ़ाना होगा थोड़ा मोड़ा, तो कुछ हलवा हलवा ऐसे कुछ बनाएंगे। चलिए थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मिलते हैं।
तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि ओरियो है, मैं हूँ और भगवान जी को भी भोग लगाना पड़ेगा। पहले तो मैं सोच रही थी कि रोटी बनाऊंगी, पर अब मेरा प्लान बदल गया है, थोड़ा सा पूरी और थोड़ा सा खीर बना लूँगी, तो भगवान को चढ़ाने के लिए हो जाएगा और अपने लिए भी हो जाएगा। ओरियो तो पूरी नहीं खाता है, तो उसके लिए रोटी एक दो बना लूँगी। अकेले बड़ा बोरिंग लगता है कभी कभी, कभी कभी अच्छा लगता है जैसे थक के आते हैं ना कहीं से, तब तो अच्छे से समय पास हो जाता है, पर कभी कभी अकेले बोरिंग जैसा लगता है। पर हाँ, हर तरह से जीने की आदत डालनी चाहिए। आपके में कोई कितने समय तक मेरे साथ बैठा रहेगा, सबको कुछ ना कुछ काम है, बच्चों बच्चे हैं तो बच्चों की शादी होगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे या नौकरी वोकरी करेंगे, वो मेरे को पकड़ के थोड़े ना बैठे रहेंगे, तो हर तरह से जीने की वो होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। अकेले तो दिल नहीं करता है कुछ बनाने का, लेकिन चलिए किसी के बहाने से, भगवान के बहाने से या होलियों के बहाने से कुछ बना ले रही हूँ कम से कम। ये बन रहा है मेरा, थोड़ा सा बना लिया पूड़िया बना मोहिनी हमेशा कहती है मम्मी बच के रात पर तुम जल जाओगे। तेल से बनाने से थोड़ा सा ठीक है, इसलिए मैं रिफाइंड से कोशिश करती हूँ पूड़ी बनाने के लिए। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग तो कुछ बात ही नहीं करते हैं, कम से कम मैसेज वैसेज कुछ किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, मुझे आपकी कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। सब्सक्राइब किया कीजिए, शायद आप लोग मेरा वीडियो बोरिंग लगता है क्या? वही का वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे ख्याल से। आप भी कहिएगा कि पागलों के जैसे कैसे बोल रही है। चलिए पूरी बना लेती हूँ फिर आती हूँ। तो भगवान का खाना तैयार हो गया है और मैं जा रही हूँ मंदिर बैठने, और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग बंद करी। ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।